वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली एनालिसिस दोस्तों आप देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ऑलरेडी ऊपर से क्लोज टू 4.82 करेक्ट हो चुका है ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड वीकली कैंडल भी कुछ खास नहीं है मंथली टाइम फ्रेम में भी हमको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सेलिंग है सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट माई पर्सनल व्यू अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ और सेक्टर्स के बारे में भी और जो मैंने स्टॉक्स के बारे में व्यू शेयर किया था उसको अपडेट करूंगा एंड लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ मेरे एवरी हाँ, वीडियो में वो भी मैं शेयर करूंगा बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स विच यू शेयर इन माई वीकली सेक्टोरलिस प्रिवियस वीडियो और उसके बाद जो मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू का वीडियो शेयर किया था उसमें भी कई लोगों ने कमेंट शेयर किए थे तो अच्छा लगता है देख के समझ के कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और जो ये वीडियोस हैं ये काफी आपके लिए हेल्पफुल हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये जो करेक्शन आया ना इसमें काफी लोग डर गए हैं क्यों डर गए हैं फर्स्ट थिंग इज जो सेबी ने कुछ नए रूल्स के बारे में बात की दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग देर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड ईरान बट एज अ ट्रेडर वी नीड टू अंडरस्टैंड के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से वोलेटिलिटी मार्केट में आ सकता है शॉर्ट टर्म में बट हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जो ये प्रोसेस होता है समझने का कि मार्केट में क्या चल रहा है वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ही होना चाहिए ये मेरा मानना है फर्स्ट थिंग इज वी द डेली टाइम फ्रेम चार्ट क्लोज टू फोर पॉइंट एट टू परसेंट यानी कि पांच टके के करीब का करेक्शन है इन अ बुल रन जनरली फाइव परसेंट करेक्शन इज वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि फाइव परसेंट हमने करेक्ट किया है प्रॉब्लम ये है दैट दिस करेक्शन फास्ट बहुत बहुत ही जल्दी मार्केट नीचे आ गया ये चिंताजनक बात है और हम देख देख पा रहे हैं कि जो आर है इट एज कम डाउन वे टू फास्ट जनरली आर एस आई कम डाउन ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके आता है पर यहाँ पे आर एस आई बहुत ही फास्ट नीचे आ गया सो दिस इज लिटिल बिट वेरी सम बट वॉट वी कैन सी प्राइस यहाँ पे सेवेंटी एट पॉइंट रिट्रेस कर चुका है एंड उसके नीचे हमको ये छोटा सा मैं आपके साथ एक कोऑर्डिनेट शेयर करता हूं ये लेवल्स लेवल्स हैं हैं और ये है या से लेके ट्वेंटी बीस पॉइंट का एक बैंड है दिस इज अ अट सपोर्ट फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडर्स और इवन मोमेंटम ट्रेडर्स यू कैन सी आवरली टाइम फ्रेम चार्ट में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हायर लो इन लोअर लो इन प्राइस बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए और सुनिए मैं भी क्या बोल रहा हूँ हो सकता है आफ्टर अ वेरी स्टपेंड इज फॉल देर कैन बी अउंस बैक इन द मार्केट एंड मे बी अगर ये टूट जाता है सपोर्ट तो मार्केट शायद नीचे भी जाए बट अगर ये बाउंस बैक करता है तो पहले ठीक से एनालाइज करिएगा नेक्स्ट वीक में क्या ये आर्ली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है 15 मिनट चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है और इट जस्ट और इज इट जस्ट पुल ठीक से एनालाइज करना दूसरी चीज है एज अ ट्रेडर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम चार्ट है उसमें निफ्टी फ्यूचर्स कुछ और बता रहा है बड़े टाइम फ्रेम चार्ट में क्या हुआ है? जो ये फर्स्ट सपोर्ट था ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स ये टूट चुका है वी आर क्लोज क्लोजिंग बिलो दैट उ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज पर वीकली टाइम फ्री थाउंस बैक देता है देन we'll चांसेस है, है कि ये वाला सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली मैं अपडेट करूंगा आप सबके साथ नेक्स्ट वीक में भी जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन चार्ट्स के ऊपर मिलेगा बट हम हमारे पास दोनों लेवल्स होने चाहिए व्हेन मार्केट्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्पीडी आप एक ही टाइप का व्यू लेके नहीं चल सकते आप दिमाग में यही सोच रहे हैं कि मार्केट में शायद पुल बैक आएगा ब्रेकआउट आएगा बट अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया और इसके नीचे सस्टेन uh, किया देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सी ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ऑन दर्ड्स एंड अगेन अगर चौबीस आठ सौ टूटेगा तो शायद आपको चौबीस हजार सात सौ के करीब भी मार्केट दिखेगा तो ये दोनों लेवल्स आपके दिमाग में होने चाहिए और ये पर्टिकुलर करेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है there are not many sectors which are holding on, सिर्फ दो सेक्टर्स एक पीएसयू बैंकिंग पैक और आई आईटी ये दोनों पॉजिटिव में और ये भी ऐसा नहीं है टू या थ्री परसेंट अप या डेढ़ टका इफ यू सी ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑन फ्राइडे पीएसयू बैंक वॉज हाफ अ परसेंट अपी पैक इज जस्ट क्वार्टर क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा So, बहुत ज्यादा बुलिशनेस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको नहीं दिख रही है so, this is basket sort of selling. और अभी मंथली चार्ट भी हालांकि ये पर्टिकुलर कैंडल नहीं हुआ, चार्ट थोड़ा सा एक, मोमेंटम हमको दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी बहुत ही बुरा कैंडल बना है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी हम देख पा रहे हैं कि काफी शार्प सेल ऑफ आया है वी आर नाउ ट्रेडिंग एट द सपोर्ट व्हिच इज एट 76 सॉरी 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट uh, के साथ एक प्राइस क्लस्टर भी है व्हिच इज अ गुड थिंग ये एक अच्छी चीज है अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखते हैं तो यहां भी हमको एक हायर लो प्राइस में दिख रहा है और लोअर हाई लोअर हाई प्राइस में दिख रहा है और हायर लो सॉरी आरएसआई में दिख रहा है सो so, सॉरी सो नाउ द थिंग इज क्या ये बाउंस बैक देगा या नहीं देगा ये हमको देखना पड़ेगा अगेन इन द नेक्स्ट वीक और ये बाउंस बैक आएगा या नहीं ये सिर्फ तीन स्टॉक्स डिसाइड करेंगे फर्स्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी आईसीआईसी आईसीआईसी स्टॉक विच इज नाउ ट्रेडिंग एट ए सपोर्ट सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट जीरो परसेंट फिबना ची रिप्लेसमेंट प्लस मैं आपके लिए एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहां पे प्रीवियस हाई है ठीक है

तो ये तीन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है पीएसयू बैंक्स नाउ पीएसयू बैंक्स में हमको ये समझना है ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और उसके पहले भी मैंने वीकली एनालिसिस में बोला था दैट ऊपर से फ्रॉम द टॉप वी हैव करेक्टेड ऑलमोस्ट बाय और लिटिल बिट मोर इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स नाउ ये करेक्शन आने के बाद हम क्या करते हैं

ज द रीजन मल्टीपल टाइम हम यहाँ से ही बाउंस बैक कर रहे हैं ठीक है सो इज इट नाउ द टाइम दैटेडम रैली येगाडी थोड़ा सा बुलिशनेस हमको कैनरा बैंक में दिख रहा है बट स्टॉक्स लाइक एस बी आई एंड टी एनबी दीज टूटी डू द वेट लिफ्टिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ये आने वाले टाइम में पता चलेगा एज ऑफ नाउ प्रिडिक्टिंग इन मिड एयर इट्स

It has fallen very very sharply. Now does it have some negative news or what? I don't know. But main itna zarur bol sakta ki, if this stock bounces back, if this stock bounces back, hits a resistance, okay. I repeat myself, if this stock bounces back, hits a resistance, and then starts falling again, or other what time pe market my negativity ki, then swing traders should capitalize on this opportunity in derivatives. Ye, kaise aapko karna hai, ye aapke I'm just sharing my view. Please. Add your own analysis to this. Do not just go blindly on my words. Okay. Alright. Metal pack. Deke metal pack bhi hold kar hai because it is in an uptrend in the monthly time frame chart. It is in an uptrend in the weekly time frame chart. Even in the daily time frame chart, things are fine. Those stocks aap sabke share key. Number one was Jindal Steel and Power. Now, this particular stock is still in an uptrend in the daily time frame chart. It is not having a lot of momentum. The breakout took place somewhere over here, I think 1031 and probably 1011. After that, it went up a little bit till 1077 and now it is consolidating. I think that positive view on the stock continues. Only thing is it should not close below 960. And I'm talking about with a viewpoint of a positional traders from few weeks to few months. The moment this stock closes below 960, I think the positive view.

The positive view continues. Only thing is it should not close below 317 or 316. The moment this stock closes below 316 or 317, jo positive view ye stock में बना था 380 पे वो negate ho jayega That is what you need to understand. Auto Pack. Now Auto Pack में मैंने एक stock के बारे में view share किया था. उसके बाद मैं Auto Pack में ऐसे general में बात करूँगा. Ashok Leyland मैंने share किया था कि Ashok Leyland is one stock. Which has not rallied because stock recently vertical rallies. So this stock bachata is shy with positivity. But unfortunately, the breakout did occur somewhere over here, but it could not sustain. And the reason was this thing. The breakout came at a wrong place. Breakout I but it occurred at a resistance. This previous low, this previous low acted like a resistance. हाँ, अगर इस कैंडल के ऊपर इस टिप के ऊपर अगर ट्रेड करता स्टॉक या क्लोज है ऑटो पैक की बात करूं तो ट्रेंड अभी भी ऊपर है बट आई कैन सेंस बाय लुकिंग एट द वीकली टेम फेम चार्ट द डेली टेम फेम चार्ट एंड द मंथली टेम फेम चार्ट कि If the sector wants to save itself, it has to bounce back as fast as possible in the next week itself. If it doesn't happen, then the momentum will slowly and steadily start going on the downside. This is what we need to identify. So if you're holding any stock in the auto pack on the long side, please follow your stops. Alright. Finance pack. Finance pack, I believe uh are

तो दोस्तों वीकली टेम्फ चार्ट में भी ये देखेंगे बहुत टाइम के बाद एक बिग रेड कैंडल बना है लास्ट टाइम कब बना था यहाँ कैंडल इतना बड़ा नहीं था दिस इज द बिगेस्ट कैंडल दिस मीन देर इज सीरियस मोमेंटम ऑन द डाउन साइड नाउ अगेन इफ दिस सेक्टर वॉन्ट्स टू सेव इट सेबल इट द सेक्टर तो जितना अगर रिवाइव कर रहे हैं जितना हो सके जल्दी हो जाना चाहिए यह आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में हमको पता चल जाएगा एफ एम सी जी पैक नाउ एफ पैक एफ एम सेक्टर इज वन सेक्टर जिसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपार्ट फ्रॉम द मार्केट अपार्ट फ्रॉम द एंटायर सेक्टर दे आर लुकिंग मोर स्ट्रांगर

इज़ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक हार्डली दो तीन स्टॉक चार स्टॉक्स चल रहे हैं और बाकी के तीन चार स्टॉक्स तो कुछ कुछ स्टॉक्स तो नीचे भी गए हैं तो so ये हमको समझना जरूर है ये देखिए डाबर में देखिए क्या हुआ हैल फॉल और ऐसा नहीं सिर्फ ये हफ्ते लास्ट वीक भी वर्टिकल फॉल हुआ एंड इफ यू सी आई टी सी आई टी सी इज मच स्ट्रांगर So, अगर आप देखोगे तो दो स्टॉक्स एक ही सेक्टर में दोनों ही डिफरेंट दिख रहे हैं तो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर स्टॉक्स इन दिस सेक्टर आर स्लाइटली मोर स्ट्रॉगर नाउ विल दे परफॉर्म और नॉट ये सिर्फ टाइम के साथ अगले हफ्ते या उसके बाद में पता चलेगा और जैसे ही मुझे चार्ट दिखेगा आई ट्राई टू शेयर विफ सीएनएक्स इंफ्रा सी एन एक्स इंफ्रा इज अगेन वन सेक्टर विच इज first i will talk about the monthly time frame chart after a very long time i can see two candles back to back okay Ye pehle bhi dekha hai, but make you down because weekly time frame chart mein, this is the first candle which is extremely big So big red candles banete, wo yahan pe the aur yahan pe the. So after a very long time you can say post june i think so this is the first candle which is extremely big red candle so according to me if

तो आईटी सेक्टर इज वन सेक्टर जो फ्राइडे को नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ है इट एज क्लोज इन मार्जिनली पॉजिटिव बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा साइडवेज चल रहे हैं। इफ यू जस्ट ओपन द आईटी पैक आपको एक चीज समझाना चाहूंगा हाँ, तो इफ यू जस्ट सी स्टॉक्स लाइक ओके एचसीएल टेक बाउंस बैक सडन डाउन मूव अगर आप इन्फोसिस देखते हो

I have my eyes, I have kept few stocks in my watch list in the IT pack, but I'm waiting and watching. I don't want to jump in the market and start directly buying IT stocks even without momentum. I need some confirmation. So, I'll wait karunga. This is the right time to probably do something in the market. I'll try to share with all of you. Okay. Pharma pack. Pharma pack is, I should say, one sector which is सो गुड आई रिपीट सो फार सो गुड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फार्मापैक भी ओवर स्ट्रेस्ट है बट एक चीज सही है कि अभी भी काफी स्टॉक फार्मा में आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाय फॉलोइंगय गोइंग साइडवेज आई शुड से दैट इज वन गुड थिंग एंड लूपिन इज वन स्टॉक बेसिकली विच इज गोइंग साइडवेज but Agar pharma pacmet agi and lupin is one stock which can outperform according to me yes by looking at the daily chart you will feel that it is extremely uh, sideways and stuff like that i can agree with you even the candle on the daily time chart is not great but yes uh, there are uh, small you can say small things in this chart which tell me that there is a little bit of bullishness left but yes it should not break ट्वेंटी वन हंड्रेड और मे बीवन टू थाउजेंड एटीफ इट क्लोजेज बिलो टू थाउजेंड एटी देन आई थिंक दॉजिटिव स्टॉक पी एस सी पैक पी एस सी पैक वन ऑफ द सेक्टर्स विच वॉज एक्सट्रीमली बुलिश एंड नाउ द वे इट इज है आप सिर्फ डेली चार्ट को देखो तो धीरे धीरे करके ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे पहले हायर हाईज हायर लोज बनते जा रहे थे अब क्या हो रहा है लोअर हाईज लोअर लोज बन रहे हैं Even in the weekly time frame chart, you can see slowly and steadily what you can see. Things are like happening like this. And even over here the momentum is not great. So I think as a long as a trader, I think if I want to go long, PSC sector is certainly not one sector where I would like to go long. Because I need confirmation. I may kisi rally, stop kisi sector may if I participate late, I, have no problem. I am fine i am okay to participate late but i need confirmation and i am not getting any sort of confirmation from the psc sector to go long even in a short term momentum trade so that is my view for the sector ha upswing aagaya and then suddenly the entire view in the daily time frame chart changes and we see higher highs higher lows maybe then i will consider but so far i will not i will wait and watch okay reality pack A reality pack suddenly things were going really nice i should say really really nice both here and suddenly it has collapsed if you just see godrej properties it had rallied pretty nicely and you see the way it has cracked sharp crack this is really sharp see the way the stock went up and see the way the stock has cracked see what has happened in the uh, weekly time frame chart Pathetic volatility if you open the dlf chart See what has happened in the DLF chart. Vertical rally and suddenly vertical fall. If you just open the early time frame chart, see the way it rallied over here. Vertical and see the way it collapsed. Vertical. So these is clearly visible that that, that there is a lot of lot of volatility happening in the markets. You need to be very, very careful. It gives a very good rally in DLF and suddenly after a few days it collapses. Obviously, Bahar can use regarding. the war regarding the uh, derivatives rule jo change kiya hai sabhi ne in the options yes but main ye bol raha hu ki ye volatility hamare aankh ke samne hai this is not unseen okay mid caps uh, main ye kahunga ki uh, should be very careful because uh, the way large caps have collapsed imagine if that sort of correction starts happening in mid cap तो वो कितना fast होगा so, अभी तक नहीं हुआ है उतना हुआ है but उतना नहीं हुआ है But अगर होगा then it can be also fast please be very careful obey your stop losses respect your hard-earned money and be very 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 vigilant in the markets right now and now before I end this video I'll share my message to all of you merae hesaap se messages market mein rahe hain that market bhi dip karti hai maal kharidna you should be a trader who is buying the dips in the uh, long

should be very methodological in the coming time trades come. kar dije. try to read as many charts as possible stay away from whatsapp groups because whatsapp groups mein itna zyada commotion hota hai. Itna zyada log apne ek view share karte hai. it doesn't make sense try to make sense of the market from your own view stay cool calm composed and try to understand what the price is trying to tell you and only then trade and most important thing jo bhi paisa, जितना भी पैसा आपने इस पर्टिकुलर रैली में बनाया है उसको सबसे पहले सेफ गार्ड करिए मत सोचिए अरे मार्केट नीचे आ गया तो मैं क्या स्टॉक खरीदू जो पहले पैसा बनाया है जिस जिस में आपके ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ट्रिगर हो रहे हैं पहले उसको करिए बिकॉज हैसेस विल ऑल्सो मेक श्योर दैट जो आपका प्रॉफिट है ओपन मार्केट में यानी कि टेबल पे वो आपके जेब में आपके अकाउंट में तो आएगा वरना प्रॉफिट आपके सिर्फ अकाउंट में ओपन ट्रेड में दिखा लेकिन स्टॉप स्टॉक्स नीचे आ गए तो आपका ट्रेड जीरो आपका प्रॉफिट जीरो हो गया वो भी नहीं होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो एसेंशियल ठीक है सो आई होप दिस मैसेज विल हेल्प यू एंड ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ एज अ ट्रेडर एंड अगेन इफ यू फील दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू प्लीज शेयर इट विद अदर ट्रेडर्स जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा एंड प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स बिलो द वीडियो बिकॉज अगेन आपका जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे पंप करते हैं मोटिवेट करते हैं हर वीक एवरी डे टू मेक सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ ट्रेडलेस लेस ट्रेड वाइजली थैंक यू